राज्य में मराठा आरक्षण के मुद्दे पर एक ओर मराठा समाज निरंतर आरक्षण की मांग कर रहा है, वहीं दूसरी ओर मराठा समाज को ओबीसी कोटे से आरक्षण देने की बात को लेकर ओबीसी समाज नाराज है, जिसके चलते सर्वशाखीय कुनबी समाज कृति समिति और राष्ट्रीय ओबीसी समाज साथ ही साथ विभिन्न ओबीसी संगठनों द्वारा नागपुर स्थित संविधान चौक पर भव्य आंदोलन किया जा रहा है, जिसके 10वें दिन आज भव्य मोर्चा निकाला गया, जहाँ सर्वपक्षीय ओबीसी नेताओं ने शिरकत की। गौरतलब है कि सर्वशाखीय कुनबी ओबीसी समाज कृति समिति के तत्वावधान से पुकारे इस आंदोलन को सभी पार्टी के ओबीसी नेताओं ने समर्थन किया है, जहां पूर्व मंत्री अनिल देशमुख समेत आशीष देशमुख और नागपुर के सभी राजनीतिक कार्यकर्ता पदाधिकारी और विधायकों ने समर्थन किया। जब भाषण देते हुए नेताओं ने ओबीसी समाज के अधिकारों की बात कही, साथ ही साथ सीधे तौर पर मराठा समाज को कुनबी प्रमाण पत्र देने की बात का विरोध करते हुए अपनी विभिन्न मांगे रखी। दर्शकों, देश की राजनीति में कहीं ना कहीं मराठा आरक्षण से जो लावा जला था वो ओबीसी समाज तक आ पहुंचा है, कहीं क्योंकि कहीं ना कहीं मराठा समाज को ओबीसी कोटे से आरक्षण दिया जाए ये कथन कहीं ना कहीं किया जा रहा था, जिसके बाद भी काफी बड़ी मात्रा में ओबीसी समाज द्वारा ये जो है विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। उस विरोध प्रदर्शन के तौर पर आज सर्वशाखीय ओबीसी समाज के तत्वावधान से जो है भव्य मोर्चा निकाला गया, जैसे कि आप देख सकते हैं पीले जो कि है पीले फलक लेकर पीले झंडे लेकर ओबीसी समाज के झंडे लेकर यहाँ खड़े हुए हैं और काफी बड़ी मात्रा में विरोध प्रदर्शन जारी है। जो ओबीसी की बात करेगा वही देश में राज करेगा, ये नारे निरंतर चले जा रहे हैं। अपनी मांगे या अपनी विभिन्न मांगों को लेकर सर्वशाखीय कुनबी समाज द्वारा और ओबीसी समाज के समर्थन में ये बड़ा आंदोलन यहाँ लिया जा रहा है और जिलाधिकारी कार्यालय तक ये मार्च निकाले जाने वाला है, जो कि सरकार के विरोध में कहीं ना कहीं सरकार की उस बात के विरोध में जिसने की बोला था कि ओबीसी कोटे से मराठा को आरक्षण दिया जाए। राज्य में भी और केंद्र में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार सत्ता में है, ऐसे में उन्हीं के सरकार में ओबीसी बनाम मराठा की स्थिति निर्माण होते हुए ओबीसी समाज के परचम के नीचे भाजपा के विधायकों ने भी इस महामोर्चे में शिरकत की। स्थिति को समझते हुए हमारे संवाददाता ने बात की हिंगना निर्वाचन क्षेत्र के भाजपा विधायक समीर बेगे से, जिन्होंने भाजपा प्रणित सरकार की ओर से इस गुत्थी को जल्द सुलझने की बात कही। नहीं, आह्वान या संपूर्ण महाराष्ट्रातून प्रत्येक जिल्ह्यातून राज्य सरकारला हेच करण्यात येतं की जरांगे पाटलांनी उपोषण सोडण्याकरता ज्या 5 अटी घातल्या होत्या त्यामधली त्यांची पहिली अट अशी होती की 30 दिवसाच्या आत राज्य सरकार मराठा समाजाला स्वतंत्र आरक्षण देऊ शकलं नाही तर 31व्या दिवशी सरसकट या महाराष्ट्रातील सर्व मराठ्यांना कुंड्यांचे प्रमाणपत्र देण्यात यावे। ही जी मागणी आहे त्याच्यामध्ये एक पण होतं की मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांनी माझं उपोषण सोडवावं। मुख्यमंत्री तिथे गेले, त्यांचं उपोषण सोडलं, पण आम्हाला किंवा या महाराष्ट्रातल्या ओबीसी समाजाला हे नाही कळून राहिलं, कुणबी समाजाला हे नाही कळून राहिलं की जरांगे पाटलाच्या पहिल्या मागणीचं काय, पहिली मागणी सरकारने मान्य केली आहे का? आणि जर पहिली मागणी सरकारने मान्य केली असेल तर या कुणबी समाजावरतीच अन्याय नाही नुसता, तर या ज्या ओबीसीमध्ये 400 जाती येतात त्या 400 जातीचा समूह असलेल्या ओबीसी समाजावरती अन्याय आहे, आणि म्हणून या महाराष्ट्रातील संपूर्ण ओबीसी समाज आणि कुणबी समाजात जागून निघाले। आतापर्यंत खामगावला मोर्चा झाला, जालन्याला मोर्चा झाला, वाड्याला मोर्चा झाला, काल शहापूरला मोर्चा झाला, आज ठाण्याला मोर्चे आहे, आज काल चंद्रपूरला भव्य मोर्चा झाला, आज नागपूरला मोर्चे आहे, त्यासोबत गोंदियाला सुद्धा मोर्चा काय, हे सर्व प्रत्येक जिल्ह्यातील त्या त्या जिल्ह्यातील 400 जातींचा समूह असलेला ओबीसी आणि ज्या जातीचे प्रमाणपत्र मागून राहिले ते कुणबी, हे सर्व एकत्र येऊन आमच्या ओबीसींवर अन्याय करू नका आणि ओबीसीमध्ये इतर कुठल्याही जातीचा समावेश करू नका ही आग्रहाची मागणी या राज्य सरकारकडे करत आहेत। आणि त्यासोबतच सरकारने यापूर्वी ओबीसीच्या ज्या ज्या मागण्या पूर्ण करू असं आश्वासित केलं होतं, काही GR काढले पण त्याची अंमलबजावणी केलेली नाही। उदाहरणार्थ 72 वसतिगृह 15 ऑगस्टपर्यंत सुरू करू असं सभागृहात आश्वासन दिलं होतं, स्वाधार योजना सुरू करू असं सभागृहात आश्वासन दिलं होतं, काही GR काढले त्याच्यामध्ये लहान लहानशा त्रुट्या आहेत त्या पूर्ण कराव्या, आणि याच्याकरता
संपूर्ण महाराष्ट्रातील ओबीसी आणि कुणबी समाजांच्या प्रतिनिधींना मुंबईला बोलून चर्चा करावी. न्यायमूर्ती शिंदे आयोग नेमलेला आहे. कशाकरता नेमला? की मराठ्यांना कुणब्याचे प्रमाणपत्र कशाप्रकारे देता येईल. अरे कुणब्याचे प्रमाणपत्र कसं देता येईल तर द्यायचे की नाही, तिथे कुणबी समाजाचा प्रतिनिधी ठेवा ना. कुणबी समाजाचा एकही प्रतिनिधी नाही. म्हणजे ज्या जातीवर अन्याय होणार आहे त्या जातीचा प्रतिनिधी आहे, ती समिती कशी काम करणार? आणि म्हणून त्या समितीमध्ये आमचा कुणबी समाजाचा प्रतिनिधी तिथे घेण्यात यावा, वसतिगृह लवकर सुरू करावे, स्वाधार योजना सुरू करावी. आणि बिहार राज्यात सर्वात प्रथम सर्व ओबीसी समाजातर्फे बिहार राज्यांचं अभिनंदन करतो की त्यांनी ओबीसी समाजाचा सर्वे केला, जातनिहाय जनगणना केली आणि ते आकडे लवकरच बाहेर. त्याच धर्तीवर या महाराष्ट्रामध्ये सुद्धा सर्व समाजाची जातनिहाय जनगणना म्हणा, सर्वे म्हणा करावी आणि प्रत्येक जातीचे आकडे. ओबीसी समाज के लिए हम सब एक आने का कारण ये कि जो ओबीसी समाज पर अन्याय करने का काम जो ये कर रहे हैं मराठा समाज को कुणबी जातीय प्रमाण पत्र देने के बाद में, कहीं ना कहीं बीजेपी की ये सोच है कि आरक्षण खत्म होने को ना करके ये 50% के ऊपर लाकर कुणबी समाज का जो जाति प्रमाण पत्र है, ये ओबीसी समाज का जो जाति प्रमाण पत्र है कुणबी समाज का, ये मराठा को देने की कोशिश कर रहे हैं. इसके विरोध में आज हम यहाँ पर सब सर्व पक्षीय एक जगह में आए हैं. नमस्कार, एनबीसी न्यूज में आपका स्वागत है. दर्शकों, मराठा समाज द्वारा ओबीसी कोटे से आरक्षण मांगने के बाद कहीं ना कहीं ओबीसी बनाम मराठा ये स्थिति उत्पन्न हो चुकी है. और आज कृति समिति सर्वशाखीय कुणबी समाज कृति समिति द्वारा संविधान चौक पर भव्य आंदोलन किया जा रहा है. उस वक्त हमारे साथ मौजूद है हिंगना विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के विधायक समीर मेघे, जिनसे हम जानेंगे कि किस प्रकार से क्या स्थिति है, क्योंकि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी भी केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों में शामिल है. समीर भाई, दोनों केंद्र सरकार में भी और राज्य सरकार में भी भारतीय जनता पार्टी शामिल है और उन्हीं के कार्यकाल में इतना बड़ा मुद्दा कहीं ना कहीं ओबीसी बनाम मराठा उत्पन्न हो रहा है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मुझे विश्वास है आदरणीय मुख्यमंत्री एकनाथराव जी शिंदे साहब, उप मुख्यमंत्री देवेंद्र जी और उप मुख्यमंत्री हमारे अजीत दादा पवार, महायुति का सरकार ओबीसी के ऊपर अन्याय नहीं करेगा, ये हमें विश्वास है. और परसों ही देवेंद्र जी आके गए, उन्होंने शब्द दिया है कि कौन से भी ओबीसी के आरक्षण पे हाथ न लगाते हुए हम मराठा समाज के जो हमारे भाई बहन है उनको हम आरक्षण देंगे. मगर हमें एकजुट होके हमारी मांग जो है हमको शासन के सामने रखना है, इसलिए ये मोर्चा का आयोजन किया है. और मुझे विश्वास है कि हमारे पंतप्रधान आदरणीय मोदी जी भी ये ओबीसी समाज के, तो इसलिए ओबीसी समाज को धक्का न लगते हुए हमारे मराठे भाई और बहनों को भी आरक्षण भारतीय जनता पार्टी की सरकार, महायुति की सरकार देंगी, ये हमें विश्वास है. कहीं ना कहीं ओबीसी संगठनों द्वारा साथ ही साथ विपक्ष द्वारा आरोप लगाया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ओबीसी का हक मार रही है, इस पर क्या कहना चाहिए? अगर आप इतिहास देखेंगे 2016 में जो आदरणीय देवेंद्र जी फडणवीस साहब जब सीएम थे तो 35 जीआर निकाल के हमारे ओबीसी समाज के ऊपर एक उन्होंने न्याय देने का काम किया है. और आगे भी जब तक के महायुति सरकार इस राज्य में है और जब तक मोदी जी है तब तक के ओबीसी समाज के ऊपर कोई भी अन्याय नहीं होगा, ये मुझे विश्वास है. ये तो बात हुई ओबीसी की, लेकिन साथ ही साथ धनगर समाज, मुस्लिम समाज, लिंगायत समाज के भी आरक्षण का मुद्दा जोरों से उठ रहा है, इस पर क्या? देखिए, आरक्षण का मुद्दा और हर समाज जो पिछड़ा है उसको आरक्षण मिलना चाहिए, ये हम सबकी इच्छा है. और हमें विश्वास है कि निश्चित ही महायुति का सरकार जो भाई और बहनों को आरक्षण की गरज है, वो चाहे धनगर समाज हो या और कोई इतर समाज है, उससे न्याय देने का काम महायुति सरकार करेगा. दर्शकों, कहीं ना कहीं केंद्र सरकार और राज्य सरकार जो कि भाजपा प्रणीत है, भारतीय जनता पार्टी जिसमें शामिल है, और हमने बात की हिंगना विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के विधायक समीर मेघे से, जो कि भारतीय जनता पार्टी के विधायक है, जिन्होंने की इस जगह अपने पार्टी की ओर से सरकार की ओर से कहीं ना कहीं आश्वासन दिया है कि ओबीसीयों के आरक्षण पर किसी भी प्रकार की आंच नहीं आएगी. तो देखते हैं आगामी इसका क्या असर पड़ता है. राज्य की सियासत में उठ रहे आरक्षण के मुद्दे का असर आगामी चुनाव में किस प्रकार से होता है और आगामी समय में इस स्थिति को और मुद्दे को किस प्रकार से सुलझाया जाता है, यह देखना काफी रोचक रहेगा. कैमरा पर्सन अजित कुंवर के साथ मनीष डेबरे की रिपोर्ट.